नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। इस साल 26 जनवरी को हम भारतीय गणराज्य की 70वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन ये दिन सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ये वो दिन है जब भारत के लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया था, एक ऐसा संविधान जो हम सब के आइडियल्स और लिबरल वैल्यू सिस्टम का प्रतीक था। हमारे संविधान में कमियां अनेक थी, जनता और उनके प्रतिनिधियों ने इनके अनेक संशोधन किए, बहुत बहस हुई संविधान के कुछ प्रोविजंस को लेकर, सरकारें आई और गईं, कईयों को तो संविधान के दायरे राज नहीं आए। किस हद तक संविधान में संशोधन या बदलाव किया जा सकता है? क्या संविधान का कोई मूल स्वरूप या विशेषताएं हैं? मिड 1960 से 1973 तक बहुत लंबा लीगल बैटल चला सुप्रीम कोर्ट में। सवाल एक ही था, संसद किस हद तक संविधान में फेरबदल कर सकती है। अल्टीमेटली एक मेजॉरिटी वर्डिक्ट में, जिसको केशवानंद भारती जजमेंट के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। अदालत ने राय दी, संसद के पास संविधान में संशोधन करने का हक तो है, मगर उसका बेसिक कैरेक्टर या मूल चरित्र नहीं बदला जा सकता। लगभग 50 साल बीत गए हैं, हमें यकीन था कि जैसी भी सरकार हो, कैसी भी नीति अपनाए, संविधान के दायरे में ही उसे रहना पड़ेगा। लेकिन हाल की घटनाओं में ये देखने को मिला है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके ऐसे कानून पास किए गए हैं जिससे ना सिर्फ संविधान का बेसिक कैरेक्टर बल्कि राष्ट्र की कल्पना को भी चैलेंज किया गया है। एक तरफ तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, लेकिन उससे ज्यादा अहम बातें, ये इश्यूज जनता ने उठा लिए हैं। 1.5 महीने से ज्यादा जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन CAA के खिलाफ हम देख रहे हैं, उसकी दो विशेषताएं हैं। पहली, इसकी इंक्लूसिव कैरेक्टर, तमाम समुदाय के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। दूसरी बात, ये लड़ाई सिर्फ किसी कानून या फैसले के खिलाफ नहीं रही, बल्कि लोग भारतीय तिरंगे के नीचे राष्ट्रीय गीत गाते हुए संविधान की रक्षा करने के लिए शामिल हो गए हैं। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी राजनीतिक डेवलपमेंट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ शामिल हो रहे हैं श्रावणी चक्रवर्ती, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध कर रही हैं और इस आंदोलन के साथ बहुत खास तरीके से जुड़ी हुई हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं अनस तनवीर, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के साथ साथ फाउंडर हैं इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के भी। अनस, हम बात आपसे शुरू करेंगे। हम बहुत आंदोलन देखे हैं 1970 के दशक से, बहुत अलग अलग किस्म के आंदोलन देखे हैं, जिसमें ज़्यादातर किसी को पर्सनल मांग होती है, या तो किसी इंडिविजुअल की या किसी समूह की। पहली बार ये देखने को मिल रहा है, खासतौर से 100 साल बाद 1919 और 1920 में, जब मोंटेगू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म्स के खिलाफ या रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ था, संविधानिक किसी मुद्दे पे जनता सड़क पे उतर आई है। इस आंदोलन को हम इस परिस्थिति में हो रही है, ये जो सिचुएशन है, इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे कि जनता आखिरकार क्यों आवाज उठा रही, किस तरह से अलग अलग मुद्दे एक होके संविधान को बचाने के लिए सब लोग निकल पड़े हैं। हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, ये एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है इस आंदोलन का जी। एक बहुत खुशी की बात है कि लोगों में एकदम से एनर्जी आई है, एक सोच बनी है कि हमें संविधान बचाना है। लेकिन वो सोच आने में थोड़ा वक्त लगा, पहली चीज, और दूसरी बात यह है कि उस सोच का नतीजा यह है कि आज वो तिरंगा पकड़ के
31 जनवरी को कि 31 दिसंबर की रात में 25,000 लोग एक साथ जनगणमन शाहीन बाग और जामिया में गा रहे थे। बिल्कुल मैं वहां था, वो गूजबम्प वाला जो मोमेंट होता है वो थी हमारे लिए ये चीज। अब 70 साल बाद शायद हमें समझ में आया है कि ये संविधान की अहमियत क्या है हमारे लिए। पहले ये मुद्दा सिर्फ कोर्ट कचहरी में घूमता था, लोग कहते थे कि अरे हाँ कानून का मसला है, कोर्ट में जाओ। आज शायद कोर्ट से विश्वास भी थोड़ा कम हुआ है, आज लोगों ने समझा है कि संविधान सिर्फ कोर्ट के मुहाफिज नहीं छोड़ना है, जनता के लिए है, और जनता इसको आज बचाने निकली है जब इसके कोर कैरेक्टर पे इस CAA NPR NRC एक्सरसाइज के द्वारा हमला हुआ है। श्रावणी, हमको एक चीज और देखने को मिलता है कि सवाल ये उठता है कि हम किस तरह से सिंबल्स को अप्रोप्रिएट करते हैं। 2014 से हम लोग एक अजीब सी स्थिति देखें कि जो भी राष्ट्रीय आइकन्स हैं जिनको हम लोग सिंबल्स मानते हैं, चाहे वो तिरंगा हो, चाहे वो हमारे राष्ट्रगीत हो, जनगण मन हो, या फिर वंदे मातरम हो, एक तरह से एक खास राजनीतिक पॉलिटिकल ग्रुप ने इसको अप्रोप्रिएट कर लिया था, पूरे के पूरे संघ परिवार की जैसे कि वही कस्टोडियंस थे। आज पहली बार देखने को मिल रहा है 6 साल में, मतलब एक रिबफ हो रहा है कि ये आपके सिंबल्स नहीं, ये हमारे सिंबल्स हैं। 26 जनवरी के अवसर पर हम देखने को मिल रहा है कि अक्सर जो है जो झंडे जो रेड लाइट्स पे बेचे जाते हैं, ये नहीं कि किसी खास वर्ग विशेष या किसी राजनीतिक गुटों के लोग इनको खरीद के इनको डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन आम जनता इसको लेके सड़क पे निकल गई है और उन चीज़ों के लिए लड़ रही है जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई हुई थी। ये एक आप लोगों में भी एक मेंटल शिफ्ट हुआ है। हम जब राजनीति को जब देखे थे, जब 70s के दशक में, तब अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब बात होती थी तो उसका क्रिटिक किया जाता था कि उसमें ये कमी है, ये कमी भी है, इसके बारे में चर्चा होती थी, वो ज़्यादा केंद्र में रहती थी। अब सवाल ये है कि क्रिटिक कम होती है लेकिन उसको बचाने की ज़्यादा प्रयास हो रही है, ये एक चेंज आया, ये इसको आप कैसे समझा सकती हैं? मैं दो चीज़ कहना चाहूँगी इस बारे में। एक तो पहले ये है कि हमारे मैं खुद भी एक छात्र आंदोलन की बिल्कुल हिस्सा रही हूँ और बहुत अभी भी सारे जवाहरलाल नेहरू नेहरू में विश्वविद्यालय में बहुत इम्पोर्टेंट एक आंदोलन चल रहा है और उसमें आप हिस्सेदारी कर जी रही जी जी छात्र आंदोलन की हिस्सा रही हूँ। अभी मैं महिलाओं के आंदोलन में भी बिल्कुल हिस्सा ले रही हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि पहले जो आंदोलन हुए थे वो बहुत ही व्यक्ति केंद्रित या कोई समूह के मुद्दे थे। जनवाद के मुद्दे पे भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो औरतों के अधिकार के बारे में हुआ हो या फिर दलितों के अधिकार के बारे में हुआ हो, श्रमिकों के अधिकार में वो हुआ हो, आंदोलन हुए हैं। व्हाट इज़ यूनिक एंड डिफरेंट जो हाँ हमें मुझे लगता है यहाँ पे कि हम लोगों का जो जनरेशन है, हम लोग शायद सोचते थे कि बहुत सारे चीज़ इंक्लूडिंग कुछ सिंबल्स जो आप बात कर रहे हैं वो गिवन है, वो हमारे पास है, हमें उनको रिक्लेम करने की एक ज़रूरत तब नहीं महसूस हुई। नहीं होती थी, हुई जब कोई आके अप्रोप्रिएट कर लिया। नहीं, मुझे मुझे लगता है कि जब उस पे एक हमला हुआ, जो जनवाद, जो सोच, जो वैल्यूज हम लोगों ने, शायद हमारे जो आगे की जनरेशन थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे या फिर हमारे पेरेंट्स थे, उनके उनका जो कुछ एहसास के बारे में हम लोगों ने सुना था, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई के बारे में हो या फिर इमरजेंसी की टाइम पे जिस तरीके के अटैक हुए थे, उस टाइम पे रेजिस्टेंस के बारे में जो हुआ था, उसके बाद हम लोगों को लगता है कि हम कुछ चीज़ अचीव कर चुके हैं। लेकिन जब फिर से दोबारा उस पर एक आघात आई, तब मुझे लगता है कि हम जो यहाँ से रिस्पॉन्स हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस हो रहा है, वो रेजिस्टेंस में भी हम लोगों को फिर महसूस हो रहा है कि नहीं, ये जो हमारे पास था, कहीं हम लोगों को दोबारा से इसको असर्ट करने की ज़रूरत है और ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है कि नहीं, ये हमारा ही है, हम इस वैल्यू को हम इनहेरिट करते हैं, ये हमारे लिगेसी का हिस्सा है, हम इसको रिक्लेम करते हैं। जो हो रहा था वो अप्रोप्रिएशन हो रहा था जिसमें गलतियां थी, लेकिन अगर अभी हमें हमको चाहिए कि हम जो आज़ादी का लड़ाई या फिर उसके बाद में भी जनवाद का जो भी लड़ाई है जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, जो हमसे छीनी जा रही है, जब हम उसको रिक्लेम कर रहे हैं, तो हाँ उसमें राष्ट्रीय गीत को भी हम गा रहे हैं, हम तिरंगा में हाथ भी ले रहे हैं। एक चीज अगर मैं ऐड कर सकूं, मैं हाँ, उसके पहले मैं इसी के साथ मिला जुला विडंबना है कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि संविधान इस देश का एकमात्र होली बुक है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में सबसे पहले उन्होंने संविधान और जो संसद है उसको टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा था।
ये सारे के सारे अप्रोप्रिएशन की पॉलिटिक्स का ही एक हिस्सा है। हम लोग पिछले 6 साल से देखते आ रहे हैं कि लगातार और भी कई सारे सिंबल्स को अप्रोप्रिएट किया गया, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो। तो उस प्रोसेस में तो श्रावणी जो बोल रही थी कि एक तरह से ये रिक्लेमिंग प्रोसेस है। बिल्कुल, देखिए मैंने एक जब 25 दिन पूरे हो गए थे इस आंदोलन के, तो मैंने लिस्ट बनाई कि किन चीज़ों पर हम जीत चुके हैं। तकरीबन 35 पॉइंट्स पर हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। उन 35 पॉइंट में सबसे अहम ये था कि ये तिरंगा जो उनके हाथ में था, जो बलात्कारियों को बचा रहे थे कठुआ में, जो उस बच्ची के बलात्कारी मर्डर्स को बचाने के लिए जिस तिरंगे का इस्तेमाल हुआ था, जो नापाक किया गया था, और मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरे लिए बहुत पाक है वो तिरंगा, तो उस तिरंगे को जो नापाक किया था, हमने उसको वापस से अपने हाथ में ले लिया है। और आप चाहे शाहीन बाग जाइए, खुरेजी जाइए, लखनऊ के घंटाघर जाइए, तिरंगा है हमारे हाथ में। प्रियम्बल की रीडिंग फ्राइडे को हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर जगह वकील कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। तो हमने जान लिया है, जैसे ये जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो जाग गई है कि असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा क्रक्स यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि असल में ये ताकत हमारे हाथ में है और हम ही को इसको बचाना भी है। श्रावणी, एक बहुत जो आंदोलन चल रहे हैं इसको लेके अलग अलग जगह से अनलाइकली क्वार्टर से सपोर्ट मिल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभी हाल में एक पब्लिक मीटिंग में, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में, वो उनको बुलाया गया था लेक्चर देने के लिए, खास लेक्चर, एनिवर्सरी लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट स्वीपिंग द कंट्री विल रिजुविनेट डेमोक्रेसी, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, कंसेंसस इज द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन लिसनिंग, डेलिबरेटिंग, डिस्कसिंग, आर्ग्यूइंग, इवन डिसेंटिंग, कॉम्प्लेसेंसी एनेबल्स ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज टू गेन ग्राउंड। ये जो अलग अलग क्वार्टर से सपोर्ट मिल रहा है, आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से है, वहाँ पे अभी बॉम्बे की एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण आई सपोर्ट करने के लिए, फिल्म स्टार्स और भी बॉम्बे के बहुत लोग हैं जिन लोगों ने सपोर्ट किया, अलग अलग सेलिब्रिटीज़, अलग अलग ऐसे लोगों को जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो पिछले 6 साल में एक बिल्कुल सैनिटाइज डीपोलिटिसाइज वातावरण में जीने लगे थे, उनमें अचानक से उनका विवेक जाग उठा। ये क्या आपको देखने को मिल रहा है, आपको जिस तरह की समर्थन मिल रहा है अलग अलग जगह से, अलग अलग समूहों के लोग जो उभर के आ रहे हैं? मुझे लगता है कि ये अचानक शायद जाग नहीं उठी, ये एक पिछले 4-5 साल से एक पॉलिटिसाइजेशन का प्रोसेस थी, अभी तो चुनाव हुए, मैं बोल रही हूँ एक प्रोसेस के थ्रू ये सामने आ रहे हैं। जो चीजों पे बात हो रही थी, अलग अलग हिस्सों की अधिकारों की लड़ाई के बारे में बात हो रही थी, कहीं आप जो कह रहे थे कि समूह, कोई एक समूह का लड़ाई पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो शायद सब इकट्ठा एक जगह आ गया है कि जो अगर दलित का लड़ाई है, ये सिर्फ दलितों का लड़ाई नहीं है, ये अगर संविधान को बचाने की लड़ाई है, डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, तो ये हर कोई जनवाद पसंद लोगों की लड़ाई बन चुकी है। अलग अलग स्टेक होल्डर अपने मुद्दे लेके एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो वहां पे अगर जब स्टूडेंट्स सड़क पे उतर रहे हैं कि हमें एक अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए, वो सिर्फ स्टूडेंट्स का लड़ाई सिर्फ, तो बाकी लोग सिंपथाइज कर रहे हैं। और मैं ये मानूंगी कि ये अचानक हुआ है, मुझे लगता है कि ये बहुत दिनों से जो एक, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या फिर सोशल कॉन्शियसनेस आप जो भी कहे, उसका जो स्तर है वो बढ़ना भी एक पॉलिटिसाइजेशन भी एक हिस्सा होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें शायद कुछ समय लगता है। तो लोग शायद सोच रहे थे, लेकिन अब वो बात भी करना शुरू किए हैं और सामने भी निकल के आना शुरू किए हैं। अनस, एक चीज देखने को मिल रहा है कि जिस कॉन्टेस्टेशन के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्टेस्ट किया जा रहा है राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेके, जो ये सरकार और ये सत्ता जो है जिसने जिस तरह से परिभाषित किया है। अब आप मई से ही देखिए कि जिस तरह से चुनाव जीत के आने के बाद से एक के बाद एक कानून आए, तमाम चीज़ों को राष्ट्रवाद के प्रिज्म में उनको ढाल दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डाइल्यूट कर दिया गया, UAPA में बड़े इंपॉर्टेंट संशोधन किए गए जिसकी वजह से स्टेट को बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर दे दी गए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, आर्टिकल 370 को लेकर कश्मीर की भी सिचुएशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, इसी बीच में बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके अयोध्या का जजमेंट भी आ गया। माना जाने लगा था कि लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से
मतलब विचारों के की कारण आवाज़ नहीं उठाएंगे कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनको एंटी नेशनल करार दिया जाएगा, जैसे कि कहा आता रहा है। और जहाँ तक रही अयोध्या या कश्मीर की बात, वो तो माइनॉरिटी का मुद्दा है, मुसलमान तो ऐसे ही डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। लेकिन ये पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि एक तो मुसलमान का एक नया लीडरशिप उभर के आ रहा है। आप लोगों के कम्युनिटी में जो पहले होता था देखने को कि हमेशा जो धार्मिक नेता होते थे वो उभर के आ जाते थे, लेकिन इस आंदोलन में उनकी कोई जगह नहीं है। एक नई लीडरशिप उभर के आई है और जो सिंबल्स का इस्तेमाल हो रहा है वो कोई धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन प्योर नेशनल सिंबल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो एक फंडामेंटल चेंज आया, ये आपके मतलब समाज में, सिर्फ माइनॉरिटीज़ में नहीं लेकिन पूरे समाज में, क्या युवा ड्रिवन है? ये बहुत ज़्यादा युवा ड्रिवन है। आप अगर मुसलमान समाज की बात भी करें तो हिंदुस्तान के इतिहास में इतने ज़्यादा पढ़े लेकिन मुसलमान युवा कभी थे ही नहीं जी। हम हैं, और हम सिर्फ वैसे नहीं हैं कि हम संविधान वाली, हमारी यहाँ पे एक लड़ाई अपनी आइडेंटिटी की भी है। आपकी जितनी प्रोटेस्ट साइट्स हैं आपके जो है उनमें एक कॉमन थ्रेड है, उससे मानने से इनकार नहीं। सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है कि संविधान मुझे हक देता है अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने का। अब संविधान के इस पहलू को भी लोग समझने लगे। राष्ट्रवाद की जो इन्होंने परिभाषा दी थी वो परिभाषा एक हर लिहाज से गलत थी, वो राष्ट्रवाद नहीं हिंदुत्ववाद था। आज जब मुसलमानों ने पहले निकले और उसके साथ उस 14-15 तारीख की रात में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान निकले थे, 15 तारीख की रात में जब जामिया में इन्होंने बम फेंके हैं, 15 दिसंबर की रात में जब जामिया में इन्होंने स्मोक बॉम्ब्स फेंके हैं, जब लाठियां चलाई हैं, बच्चों की आंखें तोड़ी हैं, तो उसके रिस्पांस में जो आईटीओ पे भीड़ थी वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम नहीं थी, उनकी वेशभूषा देख के ये बता नहीं सकते थे। तो अब एक उम्मीद जागी है इन प्रोटेस्ट की सक्सेस से, 268 जगह दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 268 जगह दुनिया भर में जो हमें पता है रिपोर्टेड प्रोटेस्ट चल रहे हैं दुनिया भर में। तो एक को आप ट्रैक कर रहे हैं? जी हम लोग ट्रैक कर रखे हैं, हमारी जैसे मेरी टीम है लॉयर्स की और एक्टिविस्ट की, तो जहां कहीं भी ये हो रहा है कि पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही है, चाहे जेएनयू हो चाहे जामिया हो, भी बोले कि ये तो बस मुसलमानों के इलाकों में, चाहे सीमापुरी या एएमयू या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन है, तो ये पूरा तरह से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। शाहीन बाग की अगर बस मैं एक छोटी सी बात करूँ ना, वो एक डेमोक्रेसी का, आजाद हिंदुस्तान का, या जैसा प्रतीक बन गया, जैसा हिंदुस्तान होना चाहिए था, जो वो संविधान कहता है कि ये स्टेज उसका एक छोटा सा स्टेज है जिसपे हर आवाज को जगह दी जा रही है, जहाँ हैकल नहीं किया जा रहा है बोलने पे, तो वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। वो जो रेप्लीकेट हो रहा है, things are replicating and when they start replicating, तभी इंकलाब आता है, और ये उसकी शुरुआत है अभी बस। लड़ाई तो खैर बहुत लंबी है, तो मतलब इंकलाबी सोच है, इंकलाब अभी कोई इमिनेंट नहीं है। खैर श्रावणी, मैंने शुरू में जिक्र किया था केशवनंद भारती केस का, और कि संविधान का बेसिक कैरेक्टर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई फेरबदल, इसको आप टेम्पर नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है इस सरकार की, जैसे कि कई कानूनों में देखने को मिला, इंक्लूडिंग CAA में शामिल हो गया है, साबित हो गया है कि मेजॉरिटी है। क्या प्रिवेंट कर सकता है कि ये सरकार और आगे संशोधन ना करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन को और फर्दर, उसकी जो बेसिक कैरेक्टर है उस पर भी चोट हो। कई लोग तो मानते हैं कि CAA भी बेसिक कैरेक्टर पे चोट है, आर्टिकल 14 के स्पेसिफिकली। जो लोग लीगल विद्वान हैं, अनस से हम लोग बात करेंगे कि कहाँ एग्जैक्टली ये वायलेट करता है बेसिक कैरेक्टर को। लेकिन आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे क्या देखते हैं, क्या आपको लगता है कि और फर्दर असॉल्ट हो सकते हैं संविधान पे? नहीं, जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, ये तो मतलब किसी के दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए कि असॉल्ट बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। लेकिन कहीं ये बहुत एक उम्मीद का भी समय है, जिस तरीके से हमारे देश के हर सेक्शन से लोग इकट्ठा एक साथ आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो असॉल्ट है उस असॉल्ट के खिलाफ भी बहुत स्ट्रांगली लोग खड़े हो रहे हैं। तो ब्लेटेंटली आप ये मानते हैं कि और भी संशोधन आएंगे तो फिर और भी असॉल्ट
जो होंगे उनके खिलाफ और आंदोलन बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल घटेगा नहीं, लोग थक नहीं जाएंगे, लोग आखिरकार उनको आखिर अपने 10 to 5 के नौकरियों में जाना होगा, अपने स्कूल कॉलेज JNU में ही देखिए कि बहुत लोगों ने, छात्रों ने रजिस्टर कर लिया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके एजुकेशनल जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें कोई मतलब बर्बाद हो जाए, समय बर्बाद हो जाए। तो जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, जो मध्य वर्ग की खासतौर से जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसको कैसे मतलब इस आंदोलन के साथ कैसे चलता रहेगा? नहीं, लेकिन जब कोई आंदोलन लंबा चलता है तो उसमें एक मौका, एक टाइम आ सकता है कि जहां लोग थोड़ा थक जाए, थोड़ा लल पीरियड हो, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि ये बैक ट्रैक करेगा। मुझे लगता है कि अब जो एक डीप सेंस ऑफ राइट, जस्टिस, ये हमारे अंदर बहुत स्ट्रांगली बैठ गया है, ये शायद, और जैसे अनस भी कह रहे थे और हर कोई बात कर रहा है कि यूथ का जो पार्टिसिपेशन है, और खास करके मैं एक महिला होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिला युवतियों का जो पार्टिसिपेशन है बहुत रिमार्केबल है, और मुझे नहीं लगता कि शायद थकान आ सकती है लेकिन लोग छोड़ देंगे या बैठ जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं तो ये भी मानता हूँ कि जिस तरह से ये सरकार लगातार करती रही है, जो आंदोलनकारियों हैं वो लोग भी उस सरकार से ही सीख के लगातार गोल पोस्ट को बदलते रहेंगे, मैं ये मानता हूँ। अनस, आपसे समझना चाहता हूँ लीगली, सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया कि बेसिक कैरेक्टर को नहीं टैम्पर करना चाहिए, जी, लेकिन बेसिक कैरेक्टर क्या है? देखिए, तो एक अजीब ही सब्जेक्टिव सिचुएशन है। नहीं, काफी हद तक क्रिस्टलाइज्ड है ये, काफी हद तक एशनन भारती के बाद और उसके बाद कोयलो के बाद ये चीजें काफी हद तक क्रिस्टलाइज हो गई हैं। तो आपका प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर है, आपका फेडरल स्ट्रक्चर का जो फेडरल सिस्टम है हमारा वो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपका फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम सिर्फ इस कानून की बात करें तो इस कानून पे हम चलिए, ये एक व्यू ये हो सकता है कि लेजिस्लेशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के हिसाब से चलने जरूरी नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, जो कि NJC केस में कहा गया कि ऐसा नहीं है। मान लीजिए उसको एक बार ले भी लें, ये जो CA है ये डायरेक्टली आर्टिकल 15 वायलेट कर रहा है और आर्टिकल 14 वायलेट कर रहा है, ये दो आपके कोर फंडामेंटल राइट्स हैं, इनसे कोई भी लेजिस्लेशन इनको एब्रोगेट नहीं कर सकता, इनसे अलग नहीं जा सकता आर्टिकल 13 के हिसाब से। तो इसलिए अब जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे, मान लीजिए एक बार आप तब भी कह रहे कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा वेग ये है, लेकिन आर्टिकल 13 वेग नहीं है, 14-15 वेग नहीं है, ये सब क्लियर है, क्रिस्टलाइज लॉ है, तो ये क्लियरली प्राइमा फेसाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये। शाबनी, आप किस तरह से इस पर्टिकुलर जो मुद्दा है, जो एक और चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि एक तो है कि लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अनस जैसे लीगल एक्सपर्ट्स के लिए द लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए संविधान जो स्पिरिट है वो क्या क्या आप लोगों को सबसे ज़्यादा, आप खासतौर से मतलब पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक लेफ्टिस्ट संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, हमको इतिहास में पता है कि लेफ्टिस्ट संगठन पहले क्रिटिक करते थे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन आज आप लोगों के लिए जो है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिटिक करना बाद की बात। देखिए, आप जो स्पिरिट की बात कर रहे हैं और जो कोर वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं अभी हमारे इस डिस्कशन में, तो कहीं ना कहीं उसको जो बचाने की लड़ाई है वो ये लड़ाई एक्चुअली उसी के लिए हो रही है। और मतलब नुआंसेस के बारे में जिस तरीके अनस ने बताया, उस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या फिर जो इस मूवमेंट पे मेजॉरिटी जो पार्टिसिपेशन है वो शायद कहीं ना कहीं स्पिरिट को ज़्यादा पकड़ के ही लड़ाई में आ रहे हैं कि जो धर्म निरपेक्षता है या फिर जो लेटर की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी वो आंदोलन भी थोड़ा तय करेगा कि आंदोलन जितना पुख्ता होगा कोर्ट भी, मतलब आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ क्रिटिकली हम लोग संविधान को देखा जाता था लेफ्टिस्ट डिस्कोर्स में, लेकिन हाँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि इंस्टीट्यूशंस की लिमिटेशंस है, शायद हम कोर्ट को भी थोड़ा क्रिटिकली एज एन इंस्टीट्यूशन हम कभी कभी देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आता है हम उसको भी क्रिटिकली देखते हैं। कोर्ट ने
जिस तरह से बिल्कुल रूटीन तरीके से लगातार एक के बाद एक चीजों पे जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसके बारे में अन्ना से फिर बात करेंगे। हाँ, लेकिन जो स्पिरिट है वो स्पिरिट के साथ टेम्पर नहीं किया जा सकता। और ये हमारे देश में जितने भी राइट या जस्टिस के लिए लड़ाई हुई है, सारे लड़ाई का शायद स्पिरिट वही था कि जो संविधानिक बुनियाद है उसके साथ कोई भी सरकार में जो भी हो टेम्पर नहीं कर सकता, उसके खिलाफ आवाज उठेगी। और अब क्योंकि असॉल्ट भी बहुत बड़ा है तो आवाज उतना ही बुलंद हो रहा है। ये सबसे अनस, लेटर की जो लड़ाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिस्पॉन्सेज रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, उसके बारे में आपको आगे का रोड मैप क्या लगता है? देखिए, मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं, हाँ, सब जुडिस मैटर पे मैं आशावान हो सकता हूँ। लेकिन अगर आप पीछे देखें और इधर खास करके इधर एक दो साल में देखें, और सिर्फ जजमेंट्स मत देखें, इवन कंडक्ट देखें, कंडक्ट बहुत अहम है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लगते हैं, जिस तरह उस चीज को हैंडल किया गया, एकदम रिस्पॉन्स में जुडिशरी अंडर थ्रेट की बेंच बैठा दी गई, जजेस खतरे में है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस खतरे में है, जिस महिला ने आरोप लगाए थे उनको सस्पेंड किया, उनके घर विक्टिमाइज किया, और अब जब वो चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो गए तो उसको रीइंस्टेट भी कर दिया गया, चार्जेस ड्रॉप हो गए हैं। निष्पक्ष जांच हुई नहीं हुई ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये एक लौटा बड़ा कंडक्ट है जो बताता है कि क्या चल रहा है। उसके बाद एनआरसी की पूरी प्रक्रिया जिस तरह से मॉनिटर हुई आसाम में, उसका जो नतीजा निकला ये भी बहुत बड़ा रिफ्लेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट पे और एक ही पर्टिकुलर जज पे भी। उसके अलावा जब कश्मीर का मुद्दा आया, हमने हेबियस फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, मैटर डिफेक्ट में जाता है फाइल करने के, क्लियर होता है, उस क्लियर होने के 10 दिन के अंदर यूजुअल कोर्स में लग जाता है, ये यूजुअल मैटर्स के लिए है। हेबियस कॉर्पस इमीडिएटली लिस्ट होती है, इमरजेंसी पिटिशन है, तो जो यूजुअल डे है 10 दिन का 12 दिन का, उसके बाद जाके लिस्ट हुआ है हेबियस कॉर्पस। तो ये कंडक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है कि आपने इन चीजों को अहम नहीं माना। ये वही कोर्ट है जो हेबियस और इन सब मुद्दों पे सबसे ज्यादा सीरियस रहती थी, इट इज द कस्टोडियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन कैन नॉट एब्रोगेट इट्स ड्यूटी और इवन डिले परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी। अनस की बात से लग रहा है कि आप जैसे एक्टिविस्ट को जुडिशियरी पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए ऐसे केस में। आखिरी सवाल आपसे कि आप रोड मैप को किस तरह से बनाएंगी, आप क्या कुछ करने की प्लान करेंगे? बिल्कुल, आई थिंक जो अनस कह रहा है वो तो सही है, और वो हमेशा बहुत पहले से ही हमारे देश में जितनी भी जनवाद की लड़ाई हुई है वो बहुत साफ था कि कोर्ट से हम तय नहीं करेंगे, तय तो सड़क पे ही होगा। हमारी लड़ाई जितनी जोरदार होगी हम उतना ही अच्छे नतीजे हर जगह से, चाहे वो इंस्टीट्यूशन से हो या और कहीं से हो, नतीजे अच्छे तभी निकलेंगे जब सड़क की लड़ाई जोरदार हो। हम जैसे कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था 2012 में, 6 दिसंबर, जो 16 दिसंबर गैंगरेप के बाद, क्योंकि जो जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशंस जो आए उसी के बाद आए, उसके पहले विशाखा जजमेंट जब आया था, उसके बाद भी जब जीएसकेएस जैसे इंस्टीट्यूट को बनाया गया था उसके लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ी थी। तो लड़ाई के बाद ही एक फेवरेबल जजमेंट आता है और उससे बाकी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो फॉर्म होते हैं। तो वो बात है, तो मुझे लगता है कि जो सड़क की लड़ाई है उसी से तय होगी कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, और उसी में हम लोगों को ज्यादा जोर डालना चाहिए। और एक वकील होते हुए मैं इससे अग्री कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद आप लोगों से इस बातचीत का, ये जो दौर है ये बहुत अच्छा रहा। अभी बैठे रहिए, छोटा सा एक और टुकड़ा हम लोग अभी पेश करेंगे। इस आंदोलन के दौरान हमने बहुत लोगों को सामूहिक रूप से संविधान का प्रीएम्बल पढ़ते सुना है। ये अहम पंक्तियां हिंदुस्तान का नया कोरस है, नया राष्ट्र मंत्र है। आइए हम सब प्रीएम्बल को एक बार फिर से पढ़ें। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular secular
democratic republic, democratic republic, and to secure to all its citizens, and to secure to all its citizens, justice, social, economic, and political, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, of status and of opportunity, and to promote among them all, and to promote among them all, Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity, and the integrity of the nation, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Enact and give to ourselves this constitution. Namaskar.